लुधियाना में एक निजी बैंक की तरफ से लोन रिकवरी का नया तरीका अपनाया गया है। बैंक द्वारा जिन लोगों ने उनके बैंक से लोन लिया उनके घर के बाहर जाकर बैंक कर्मियों ने प्रोटेस्ट किया। आइए आप भी देखिए बैंक द्वारा किस कदर लोन रिकवरी के लिए यह प्रोटेस्ट किया गया। तो इस टाइम पूरे हिंदुस्तान में सारे बैंकों का हालत बहुत खराब है, डिफॉल्टर बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। गवर्नमेंट बैंक के ऊपर हावी हो गई है, बैंक भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं तो चाहते थे देश की व्यवस्था अर्थव्यवस्था ठीक ठाक हो जाए। इसी कारण असी बैंक वाले लेडीज टीम तैयार करके शायद किसी को असर हो जाए कि देखो जेंट्स तो कर ही रहे हैं, लेडीज भी आगे आ चुकी हैं इस मुहिम में। तो साढ़े इस टाइम लुधियाना लगभग 800 करोड़ का NPA चल रहा है बैंक का, तो वो असी तो कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे वापस आ जाए। तो ऐसे ही उन रास्ता अपनाया है हमारी मैनेजमेंट ने, ये सोचा कि ऐसे जाके हम क्यों ना इनको घरों में जाके एक डिमॉन्स्ट्रेशन दें, कम से कम उन लोगों को ये लगे कि देखो ये भी बैंक वाले भी कितने थक चुके हैं रिकवरी में। तो उन्होंने यह रास्ता अपनाया और इसमें ऑल वुमेन लेडीज़ टीम तैयार करी, जिसमें अभी भी थोड़ी शर्म की लोगों को आया कि लेडीज़ भी अब रिकवरी के लिए आने लगी हैं। उसके साथ साथ जो आदमी यहाँ पर हम लोग जिसके लिए रिकवरी पर जिनके पास गए हैं और अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं उनके लिए भी सबक है कि आगे से हमारा लोन कोई ख़राब ना है तो हमारे बैंक वाले भी नहीं आके डिमॉन्स्ट्रेशन देने का, जिससे कि समाज में हमारी प्रतिष्ठा खराब हो।